लेकिन हाँ ये अफसोस है कि उनको बुलाना चाहिए था। जनपद सहारनपुर को आज बड़ी सौगात मिलने जा रही है, जिसकी बड़ी वजह यह है कि सहारनपुर का एयरपोर्ट पब्लिकली हो जाएगा, कोई भी व्यक्ति यहाँ से उड़ान भर के दिल्ली या दूसरे शहरों में आराम से जा सकेगा, लखनऊ जा सकेगा। और विशेष बात यह है कि इस अवसर पे वर्चुअली मोदी जी इसके उद्घाटन करने जा रहे हैं। मोदी जी आज उद्घाटन करेंगे, शाम का प्रोग्राम रखा गया है, तमाम लोग जो है वहाँ पर जाएंगे। हमारे साथ में बेहट विधानसभा के विधायक उमर अली खान जी हैं, बातचीत करेंगे इस प्रोग्राम को कैसे देखते हैं और इस प्रोग्राम में क्या वो पार्टिसिपेट करेंगे, क्या इस प्रोग्राम को जो है खुशी जो है जो मिलने जा रही है, सहारनपुर को बड़ी सौगात मिलने जा रही है, क्या इस प्रोग्राम को अटेंड करेंगे। विधायक जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बड़ी खुशी का मौका है, आज सहारनपुर को बड़ी सौगात एक लंबे समय से देखी जा रही थी, आम आदमी भी उड़ सकेगा हवाई जहाज़ में, उसकी शुरुआत आज मोदी जी कर रहे हैं। आप जाएंगे, कैसे पार्टिसिपेट करेंगे, कैसे खुशियां मनाएंगे इस चीज़ को लेकर? आप देखिए, अगर कोई बुलाता जरूर जाते। बुलाता मतलब? जब बुलाया ही नहीं गया, किसी को निमंत्रण ही नहीं है, किसी को पूछा ही नहीं, तो इस बात की हमें ठेस है। लेकिन खुशी इस बात की है कि सहारनपुर जिले वासियों को आज जो है एक बहुत बड़ी सौगात मिलने जा रही है। इसकी पूरे जिले वासियों का, आसपास के जिले वासियों को भी इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन हाँ, ये अफसोस है कि उनको बुलाना चाहिए था, तमाम दलों के नेताओं को बुलाना चाहिए था, खासतौर से जनप्रतिनिधियों को बुलाना चाहिए था। इस बात का हमने शायद आपने वीडियो देखी भी होगी, हमने इसकी मांग भी उठाई थी विधानसभा में। दो बार मैं बोला हूँ एयरपोर्ट के ऊपर कि हमारा एयरपोर्ट जल्द से जल्द चालू करना चाहिए, हमें शुरू होना चाहिए। पब्लिक को बहुत दिक्कत होती है, पब्लिक को दिल्ली, चंडीगढ़, देहरादून जाना पड़ता है, तो इसकी तमाम जनता को बहुत बहुत बधाई। सर, आपने ना लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, बेट विधानसभा जब बड़ी विधानसभा मानी जाती है और प्रदेश की नंबर वन विधानसभा मानी जाती है, लाखों लोगों की आवाज़ है आप, लेकिन जब इतना बड़ा कार्यक्रम जनपद में हो रहा है, पब्लिकली किया जा रहा है, मोदी जी जो है उसको वर्चुअल तरीके से दे रहे हैं, पब्लिकली लोगों को जो सौंप रहे हैं, इतना बड़ा एयरपोर्ट, मतलब बहुत बड़ा सपना था, आपने खुद आवाज़ उठाई है, आपको ना बुलाना या आप लोगों को ना बुलाना जो जनपद, कैसा महसूस करते हैं सर, कहना क्या चाहेंगे आप? देखिए, निराशा है, हम तो तैयार खड़े हैं आपके सामने, ना दोगे कि अभी भी को बुलाएं पहुंच जाए, मालाएं भी तैयार हैं कि जाएंगे तो वहां जाएंगे, लेकिन अब कोई नहीं बुला रहे तो उसके बारे में क्या कर सकते हैं। इस बात की हमें दिल में ठेस है कि पक्ष हो विपक्ष हो, सबको साथ लेके सरकार को चलना चाहिए था, और इसकी मांग हम हमेशा उठाते रहे, हमने विधानसभा के अंदर भी कई बार मांग उठाई। तो इस बात का हमें दुख भी है, खुशी भी है कि चलो भाई हमें नहीं बुला रहे, कम से कम क्षेत्र को मिल तो जाए। हमारे यहाँ पे हमने ये भी मांग रखी थी कि कम से कम लखनऊ की डायरेक्ट फ्लाइट होनी चाहिए, हमने ये भी मांग रखी थी कि यहाँ से गोरखपुर की, आजमगढ़ की, पर जो प्रदेश के जो दूर के जो जिले हैं, जो हमारा बिल्कुल, हम तो चाइना बॉर्डर पे रहते हैं, हमारा तो सहारनपुर बिल्कुल लास्ट बॉर्डर है, हमारा चार प्रदेशों से घिरा हुआ हमारा प्रदेश है, तो सबको फायदा होगा इससे। क्या कहना चाहेंगे, सरकार का उद्घाटन हो रहा है या भाजपा का उद्घाटन किया जाए, भाजपा उद्घाटन कर रही है? अब आप जिस तरह से बता रहे हैं तो फिर तो भाजपा उद्घाटन करे, सरकार का उद्घाटन होता, सरकार में सभी लोग होते, जनप्रतिनिधि होते, हमारे यहाँ दूसरी पार्टियों के विधायक भी, हम भी दूसरी पार्टी से एमएलए हैं, तो सबको बुलाना चाहिए था सरकार को। इस बात का सभी को निराशा है, सभी लोग, और हम तो, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, तैयार खड़े हैं हम तो, हमें तो अभी बुलाएंगे, हम तो तैयार हैं जाने के लिए। मैं वो पूछने वाला था कि देर आए दुरुस्त आए, कहीं बड़े होता है कि यार चलो भाई लेट हो गए, क्या विधायक जी तैयार है जाने के लिए, मिल जाए तो? हम ओवर स्पीड पर जाएंगे, चाहे चलान कटे जाएंगे जरूर, बुलाए तो सही। वो ये थे विधायक जी हमारे साथ में, बेट से विधायक हैं, और ये कह रहे हैं कि जय मैं तैयार हूँ, मेरे समर्थक तैयार है, सब लोग तैयार है, लेकिन नहीं मिला बुलावा, लेट भी मिल जाएगा तो मैं ओवर स्पीड पर पहुँच जाऊँगा।